जामनगर में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर शुक्रवार को कांग्रेसियों ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान नारेबाजी करते हुए घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी करने पर नाराजगी जताई गई। रानीखेत रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में पूर्व विधायक रणजीत रावत की अगुवाई में कांग्रेसी एकत्र हुए। रणजीत रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनहित में कोई फैसला नहीं ले रही है। पहले से ही कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहे आम आदमी पर रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तु के दामों में 50 रुपए की वृद्धि का भार भी ला दिया गया है। कहा कि जिस रफ्तार से सरकार रसोई गैस के दाम बढ़ा रही है, उससे ऐसा लगने लगा है कि सरकार आम आदमी को एक वक्त का भोजन भी भरपेट नहीं खाने देने का प्रयास कर रही है। सरकार को आम गरीब मजदूर कमजोर वर्ग से कोई वास्ता नहीं रह गया है। तो भाजपा के नेता हर चौराहे पे सड़कों पे मातम करते थे, गैस सिलेंडर लेकर के नाचते थे और कहते थे कि सरकार ने जनता को लूट दिया। 340 रुपए का सिलेंडर तब मिलता था 2014 तक, आज उसकी कीमत 1050 से ऊपर क्रॉस कर गई है। कल ही जो है सरकार ने परसों 53 रुपया सिलेंडर पे फिर बढ़ा दिया है, जो शर्मनाक है। मंदी छाई हुई है, नोटबंदी हो, GST हो, लॉकडाउन हो, इन निर्णयों से जो है कारोबार वैसे ख़त्म है और देश में 40 करोड़ जॉब कम हो गए हैं, तो लोगों की आमदनी नहीं है। ऐसी हालतों में आटे चावल पे GST वर लगाई जा रही है, दूध पे दही पे GST लगाई जा रही है, दवाइयों की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे कि, और बिजली भी नहीं जा रही है। तो इसके विरोध में आज उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, ताकि सत्ता के मद में बदमस्त होकर के सो रही कुंभकर्णी नींद में सो रही इस सरकार को जगाया जा सके और जनता की जो हालत है उससे इसको रूबरू कराया जा सके। इसलिए आज हम लोग सड़कों पर।